Hi everyone, today we are going to learn online jewelry designing course. और guys, आज हम सीखेंगे jewelry designing in English and in Hindi also. So wow, great. आप सभी तैयार हो जाइए, मैं बहुत सारी चीज़ें आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आपका ज्वेलरी डिज़ाइन सीखना बहुत आसान हो AAD इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट इन डिज़ाइंस के साथ. सो दोस्तों, बेस्ट ज्वेलरी डिज़ाइनिंग कोर्स, फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग ऑनलाइन, ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मुझे बार बार हर बार. तो मैंने प्लान किया क्यों नहीं आप लोगों के लिए सीरीज़ वाइज घर पर ही शुरू करूँ, आप लोग सीखें बहुत अच्छे से और अपना कैरियर बनाएँ ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में. दोस्तों, जिस तरह से फैशन डिज़ाइनिंग का बहुत बड़ा फील्ड है, उसी तरह से आज की डेट में कस्टमाइज ज्वेलरी का बहुत बड़ा फील्ड है. आप घर पर रह के ही हज़ारों लाखों कमा सकते हैं विथ योर टैलेंट. अगर आप टैलेंटेड हैं, आप स्केचिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं, आपको अलग अलग डिज़ाइंस के, अलग अलग ज्वेलरी के नॉलेज है, तो यस गाइस, आप तैयार हैं ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के लिए. लेट्स गेट स्टार्ट. क्लास शुरू करें उससे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. सो दोस्तों, आप भी तैयार हो जाइए मेरे साथ सीखने के लिए ऑनलाइन ज्वेलरी डिज़ाइनिंग कोर्स एट होम. खान फैशन डिज़ाइनर एंड ट्रैवल आर्टिस्ट, और आप सीख रहे हैं आज मेरे साथ ज्वेलरी डिज़ाइनिंग. ज्वेलरी डिज़ाइनिंग बहुत बड़ा फील्ड है आज की डेट में. अगर आज की बात करें 2022, जिस तरह से मार्केट में फैशन इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, उसी तरह से ज्वेलरी डिज़ाइन का भी अपना ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. हर कोई कस्टमाइज ज्वेलरी पहनना चाह रहा है, तो आज की डेट में जिस तरह से फैशन डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट है, वैसे ही ज्वेलरी डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट है. सो ज्वेलरी डिज़ाइन सीखने के लिए, ज्वेलरी डिज़ाइन करने के लिए आपको चाहिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म. सो गाइज, आज हम सीखेंगे आर्ट एंड डिज़ाइंस बाय मीराज के साथ AAD इंस्टीट्यूट के थ्रू ज्वेलरी डिज़ाइंस. और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे गोल्ड्स की ज्वेलरी, जिसमें इयररिंग्स, डायमंड्स की रिंग्स एंड उसकी शेडिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी. बहुत ज़रूरी है सबसे पहले पहचानना, ओरिजिनल मटेरियल को अंडरस्टैंड करना. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो थिंग्स है ज्वेलरी डिज़ाइनिंग करने से पहले, आपको पता हो कि ओरिजिनल जो मटेरियल है लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड, उसका इफ़ेक्ट, उसका शेडिंग, उसका टेक्सचर, उसका टोन, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए. सो ज़रूरी है जब आप फैशन डिज़ाइनिंग के बाद अगर आप ज्वेलरी डिज़ाइन में आना चाह रहे हैं या आप ज्वेलरी डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं, तो आप के अंदर ये क्वालिटी तो होनी चाहिए कि आप मटेरियल को आइडेंटिफाई कर सकें. द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ज्वेलरी डिज़ाइन सेक्शन में किस तरह से मटेरियल को आइडेंटिफाई करेंगे. तो आप बेसिक से लेकर एडवांस तक का सीख सकते हैं, जिसमें कोर्स की भी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसी वीडियो में. तो कोर्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो अलग अलग शहरों में अवेलेबल हैं, शॉर्ट टर्म्स में 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर डिप्लोमा, और आप एडवांस डिप्लोमा में भी जा सकते हैं. क्वालिफिकेशन की बात करूं तो शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए आप 8 पास, 10 पास, 12 पास हों, और अगर आप वो भी स्टडी नहीं करें तो एज ए हॉबी आप अपना ज्वेलरी डिज़ाइंस कर सकते हैं AAD इंस्टीट्यूट के साथ. देखिए, कैरियर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर स्केचिंग की एबिलिटी है, आपको पसंद है आप ज्वेलरी सेक्शन में आएँ, आपको मटेरियल एंड उससे रिलेटेड जितने भी मटेरियल है, कटिंग मटेरियल, मेकिंग मटेरियल्स, उसके साथ जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, वो तमाम इंस्ट्रूमेंट की इंफॉर्मेशन अगर आपको पता है या आप लेना चाह रहे हैं, आप सीखना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ज्वेलरी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है. तो आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करूंगी गोल्ड की शेडिंग, और मैं आपको बताऊंगी कि गोल्ड की शेडिंग कैसे की जाती है, और जिस तरह से आप फैशन डिज़ाइनिंग में पर्टिकुलर मेजरमेंट होता है तो ज्वेलरी सेक्शन में भी मेजरमेंट होता है, रिंग की साइज़ क्या होती है, ब्रेसलेट की साइज़ क्या होती है, स्केचिंग के समय, ऑन द शीट स्केचिंग के समय, तो वो बहुत ज़रूरी है आपको सीखना. आज मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाली हूँ एक ब्रेसलेट की स्केचिंग, जो कि मेजरमेंट के साथ ही सिखाऊंगी. मैंने यहाँ पे टॉप व्यू लिया है, साइड व्यू लिया है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे देखिए दो ओरिजिनल फ्रंट व्यू लिया है, मतलब 3D, मतलब टॉप भी दिख रहा है, फ्रंट भी दिख रहा है एंड साइड भी दिख रहा है, तो 3D डायमेंशनल इसे बोलते हैं, 3D व्यू, ठीक है. इस तरह से अगर आप स्केचिंग करना सीख जाते हैं तो आप एक बहुत अच्छा डिज़ाइनर बन सकते हैं. दोस्तों, आप हमारे साथ AAD इंस्टीट्यूट के साथ भी मिलके ज्वेलरी डिज़ाइंस कर सकते हैं. कोर्स की डिटेल आपको ऐप में भी मिल जाएंगे और AAD इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएंगे. सो गोल्ड की शेडिंग के लिए हमेशा ध्यान देना चाहिए कि गोल्ड जो है, ओरिजिनल गोल्ड का जो फॉर्म होता है बहुत सॉफ्ट होता है. सो कभी भी ज्वेलरी मेकिंग में ओरिजिनल गोल्ड फॉर्म को यूज़ नहीं करते, उसके साथ मिक्स करते हैं कॉपर. कॉपर मीन्स तांबा. हमेशा ज्वेलरी मेकिंग में देखिएगा, ज्वेलरी बनाने वाले जो हैं या ज्वेलर जो सिखाते हैं या जो बनाते हैं, वो हमेशा
गोल्ड में क्या मिक्स करते हैं, कॉपर, कॉपर मीन्स तांबा, ताकि उसकी जो थिकनेस है वो स्ट्रांगनेस में डेवलप हो सके या फिर तब्दील हो सके। सो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेसलेट लिया है, ब्रेसलेट की साइज़ मैंने ली है 2 इंच, जिसकी लेंथ है एंड इसकी थिकनेस ली है 1/4। ठीक है, तो 1/4 के साथ यहाँ पे मैंने एक ब्रेसलेट बनाया है जो कि प्योर गोल्ड का है। इसमें मैं किसी तरह के स्टोन का डिज़ाइन नहीं करूँगी, मैं किसी तरह के यहाँ पे मीना का यूज़ नहीं करूँगी, मैं सिंपल एक गोल्ड ब्रेसलेट बनाऊँगी, क्योंकि एक क्लाइंट का चॉइस है कि मुझे इस तरह के डिज़ाइन दीजिए ताकि मैं अपने कस्टमाइज़ करवाने वाले से या जो भी ज्वेलरी शॉप में जाके वो डिज़ाइन दिखा सकें और वो डिज़ाइन बना सकें। तो मैं उनके लिए ये एक ब्रेसलेट बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ज्वेलरी डिज़ाइंस भी, हर किसी को ज्वेलरी पसंद होती है, हर एज में पसंद होती है। सो कई क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं जो मुझसे पर्टिकुलर डिज़ाइंस बनवाना पसंद करते हैं, जिसमें मैं कुछ डिफरेंट टाइप के स्केचेस करके उन्हें प्रोवाइड कराती हूँ। तो आप भी इसी तरह से घर बैठे हुए स्केचिंग के साथ अर्निंग शुरू कर सकते हैं। अब आते हैं, अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग कर चुके हैं तो आप ज्वेलरी डिज़ाइनिंग भी कीजिए, क्योंकि आपके क्लाइंट समटाइम्स आपके डिज़ाइंस के साथ उससे रिलेटेड डिज़ाइंस ज्वेलरी की स्केचिंग की भी डिमांड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमेशा आप जब भी स्केच करें तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके मोमेंट के हिसाब से ही आप हमेशा स्केच करें। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक रोल्ड ब्रेसलेट बनाया है और मैंने यहाँ पे स्टेडलर पेंसिल का इस्तेमाल किया है और इसमें मैंने 5 डिफरेंट कलर यूज़ किया, ऑरेंज, लेमन येलो, ब्राउन, उसके बाद लाइट लेमन कलर, ताकि उसकी शेडिंग ओरिजिनल गोल्ड की तरह आए। तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्केचिंग जो हो वो नेचुरल नज़र आना चाहिए। डिज़ाइनर का काम ही है कि आप जो भी डिज़ाइन करें वो बिल्कुल प्योर एंड नेचुरल लगे, आर्टिफिशियल ना लगे, कहीं से देखा देखी ना हो, आपकी ओरिजिनल डिज़ाइंस होंगी तो लोग और आपके क्लाइंट भी आपके पास आएंगे, बार बार आएंगे और आपसे काम लेंगे। ठीक है, सो दोस्तों, हमेशा मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो भी आप डिज़ाइंस करें, चाहे आप फैशन डिज़ाइनर हों, चाहे आप ज्वेलरी डिज़ाइन, आपकी ओरिजिनल डिज़ाइन होनी चाहिए। जैसे कि आप ये डिज़ाइंस देख रहे हैं, आप मॉडिफाई कर सकते हैं, आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जिससे आपकी एक क्रिएटिविटी नज़र आएगी आपके डिज़ाइन में। सो यहाँ तक मैंने आपको सिखा दिया कि गोल्ड की शेडिंग कैसे की जाती है, कितने तरह के पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको सिखाया है स्टेडलर पेंसिल का इस्तेमाल करना। अगर आगे की क्लास आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए, क्योंकि अगर 100+ लाइक होता है तभी इस वीडियो का आपको नेक्स्ट सीरीज़ में बना के अपलोड करूँगी। तो दोस्तों, पिछले वाले वीडियो के लिए मैंने 100 का रिक्वेस्ट किया था, लेकिन अभी वो 500+ हो गया है। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज के क्लास की जो इन्फॉर्मेशन से वो आपको कैसी लगी, और भी क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस तरह से आप सीखना चाह रहे हैं, किस तरह से आप सोच रहे हैं, या आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे फ्री कंसल्टिंग कर सकते हैं, मुझसे ले सकते हैं, आप डिस्कशन कर सकते हैं मेरे ऐप के थ्रू। ऐप का नाम है AAD बाय सारा मिराज, जो कि गूगल प्ले में या प्ले स्टोर में बहुत आसानी से अवेलेबल है। आप डायरेक्ट गूगल में भी जाके AAD बाय सारा मिराज डाउनलोड कराएंगे तो आपको ऐप मिल जाएगा और आसानी से आप मुझसे बात कर सकते हैं अपने कैरियर से रिलेटेड। सो दोस्तों, यहाँ पे ज़रूरी है कि शुरुआत कैसे करें, तो शुरुआत करना बहुत आसान है, ऑनलाइन एवरीथिंग हो चुका है, सारी चीज़ें ऑनलाइन है, तो आप सीख सकते हैं हमारे साथ। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं कुछ डिज़ाइंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि गोल्ड है, प्योर गोल्ड से बना हुआ है, कुछ ब्रॉन्ज से बना हुआ है, लेकिन डिटेलिंग सारे ज्वेलरी में एक जैसे होते हैं, तो ये आपको समझने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और मेरी तरह आपको लोगों की मदद करना पसंद है, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो अच्छे अच्छे टॉपिक पर बना सकूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। टेक केयर गाइस, हैप्पी दिवाली, टेक केयर, बाय बाय।